पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 23 दिनों के बाद दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि उसने मूसेवाला की हत्या करने वाले शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कुल 6 शूटर्स ने मूसेवाला की हत्या की। इन शूटर्स को हत्या करने के आदेश कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने दिया था और इस हत्याकांड को लीड कर रहा था लॉरेंस का गोलीमार फौजी। कि हमने 6 शूटर्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो 6 के 6 जो अभी है उनकी इस जो आइडेंटिटीज हैं एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन किस गाड़ी में था, किसने पिस्टल फायर करी, किसने AK-47 फायर करी, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी इसको एस्टैब्लिश कर पाए हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल 3 शूटर्स को सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात के मुंद्रा से गिरफ्तार किया। आरोपियों को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया, जहां से तीनों को 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इनके पास से 8 हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और 36 राउंड पिस्टल बरामद किए गए हैं। एक AK सीरीज की असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए शूटर्स में से एक का नाम प्रियव्रत फौजी है, वो हरियाणा का गैंगस्टर है, जबकि दूसरे शूटर का नाम कशिश कुलदीप है। 24 साल का कुलदीप हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला है। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए तीसरे शूटर का नाम केशव कुमार है। 29 साल का केशव पंजाब के भटिंडा जिले के आवा बस्ती का रहने वाला है। उस दिन घटना को 2 मॉड्यूल अंजाम दे रहे थे। दोनों मॉड्यूल गोल्डी बरार से टच में थे। बोलेरो गाड़ी कशिश चला रहा था और प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। बोलेरो गाड़ी में 4 लोग सवार थे और कोरोला में 2 शूटर्स थे। अंकित सिरसा, दीपक, प्रियव्रत और मॉड्यूल प्रमुख सभी बोलेरो कार में थे। जगरूप रूपा कोरोला कार चला रहा था, इसमें मनप्रीत मनु भी सवार था। मनप्रीत मनु ने सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग की, बाद में बाकी सभी ने भी गोलियां चलाई थी। घटना के तुरंत बाद मनप्रीत मनु और रूपा वहां से भाग निकले, वहीं प्रियव्रत का लीड मॉड्यूल भी मौके से फरार हो गया। उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था, अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। जो कोरोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। तो जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी, उनके 2 फ्रेंड्स थे, तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है क्योंकि ये लोग कई दिन से मल्टीपल रेकीज कर चुके थे। तो जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। कोरोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी, तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गनशॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पर रुक गई और कोरोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी, उसमें से भी ये चारों जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ही उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज़ किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए, जिसका ऑलरेडी खाका जो है वो पंजाब पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले 8 बार उनके घर, गाड़ी और रूट्स की रेकी की गई थी। 6 शूटर्स वारदात को अंजाम देने के 15 दिनों के पहले सिद्धू मूसेवाला की रेकी कर रहे थे, लेकिन इन 8 बार में मूसेवाला की हत्या इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि सिद्धू हमेशा बुलेट प्रूफ कार और हथियारों से लैस कमांडोज के साथ रहते थे।
गिरफ्तार किए गए शूटर्स प्रियव्रत फौजी और जगदीप रूपा दर्जनों बार ऑपरेशन से जुड़ा था। हर अपडेट गोल्डी बरार को सीधे फोन पर दे रहे थे। मर्डर वाले दिन संदीप केकड़ा और निक्कू ने गोल्डी और सचिन को वीडियो कॉल किया। उन्होंने बताया कि मूसेवाला बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकला है। इसके बाद गोल्डी ने तुरंत प्रियव्रत और रूपा से प्लान को अंजाम देने के लिए कहा। शूटर्स जब 8 बार रेकी करने के लिए मानसा और मूसेवाला के गांव के घर पहुंचे, तब उनकी दोनों गाड़ियों में हाईटेक बंदूकों के साथ साथ हैंड ग्रेनेड भी मौजूद थे। रेकी के दौरान शूटर्स रुकने का ठिकाना मानसा के आसपास ही बनाए हुए थे। गोल्डी बरार का शूटर्स को साफ आदेश था कि अगर AK-47 या दूसरे हथियारों से ऑपरेशन सफल ना हो तो हैंड ग्रेनेड से मूसेवाला की थार गाड़ी को उड़ा देना। लेकिन किसी भी सूरत में इस बार मूसेवाला बचना नहीं चाहिए। 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड विलेज बरोई मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था, क्योंकि जब इन्हें देखा कि ऑलरेडी कुछ फोटोज़ आपको याद होंगी कि सर्कुलेट हुई थी, जो कि एक इंटरनल हमारा नोड था, उसमें हमने एक शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे, लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो तीन उसमें से जो हमारा वो था कि तीन शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलोंग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, और ये जो HE-36 ग्रेनेड्स थे दे वर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं, एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स, 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ 0.30 बोर, 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं, और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। जो अभी तक हमें एस्टेब्लिश हुआ है, जो इंसिडेंट में यूज हुई है, वो एक AK सीरीज की असॉल्ट राइफल हुई है। मल्टीपल पिस्टल्स यूज हुए हैं, और ये जो ग्रेनेड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे ये भी इनके पास थे, और पिस्टल्स भी इनके पास रिजर्व थे जो हमने रिकवर किए हैं। तो ये इंसिडेंट में इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है कि इनकी पिस्टल से या ऑटोमेटिक वेपन से बात नहीं बनती, तो इन्होंने ये ग्रेनेड भी इस इंसिडेंट में यूज करने थे। पुलिस की माने तो हत्याकांड में शामिल किए गए अधिकतर हथियार विदेश से आए थे। गोल्डी बरार और लॉरेंस के कहने पर इन हथियारों का इंतजाम करवाया गया था। हत्याकांड में शामिल शूटर्स को अभी केवल टोकन मनी मिली थी, यानी कि शूटर्स को खर्चा पानी, रुकने और गाड़ी में तेल डलवाने के लिए पैसे दिए गए थे, बाकी के पैसे बाद में मिलने थे। 29 मई को पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनकी उम्र महज 28 वर्ष की थी। सिद्धू मूसेवाला की मौत ने उनके करीबियों और उनके चाहने वालों को तगड़ा झटका दे दिया था। सिंगर पर हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने ली थी। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग काफी समय पहले की गई थी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने सभी को चौंका दिया था।